बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की बायोलॉजी सीरीज़ से चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज के लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के ऊपर बात की थी, और हमने ये बात कही थी कि प्लांट्स में कोई प्रॉपर सिस्टम फॉर द गैशियस एक्सचेंज नहीं है। हर ऑर्गन है या हर पार्ट ऑफ द बॉडी या हर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अपने ओन पे गैशियस एक्सचेंज का फिनोमेना करता है। हाउएवर, जब हम ह्यूमन बीइंग्स की या हायर एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम है फॉर द गैशियस एक्सचेंज, और उस सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में ये जो हायर एनिमल्स हैं इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम नाम देते हैं एयर पैसेज वे का और दूसरे को हम नाम देते हैं लंग्स का। ये डायग्राम में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स का। अब हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे, पहले एयर पैसेज वे को और फिर उसके बाद लंग्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एयर पैसेज वे क्या होता है? तो एयर पैसेज वे को हम कहते हैं, एयर पैसेज वे जैसे नाम बता रहे हैं हवा का रास्ता, तो कौन सी हवा का रास्ता या कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? तो एयर पैसेज वे वो रास्ता है, वो पाथवे है जिसके जरिए एटमॉस्फेयर से एयर मूव करके हमारे लंग्स में आती है, वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, और फिर वो एयर दोबारा से बॉडी से बाहर चली जाती है। तो वो जो पाथवे है, वो जो रास्ता है जिसके जरिए एटमॉस्फेयर से एयर मूव करके हमारे लंग्स में आती है, वहां पर गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना होता है और फिर हमारे लंग्स से वापस जो है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो ये जो पूरा पाथवे है इसको हम एयर पैसेज वे कहते हैं, और हम ह्यूमन बीइंग्स में जो एयर पैसेज वे है वो मुश्तमिल होता है नेजल कैविटी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स पे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं जी कि नेजल कैविटी क्या है। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज के लिए सबसे पहले एयर जहां से एंटर होती है वो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, नोज जो हमारा है उसके नॉस्ट्रल्स के जरिए एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है। तो ये जो ओपनिंग ऑफ द नोज है इसको हम नॉस्ट्रल का नाम देते हैं। अब इस नॉस्ट्रल से पीछे जो एरिया है ये हमारे पास नेजल कैविटी कहलाता है, और इस नेजल कैविटी के अंदर फाइन हेयर्स और म्यूकस मौजूद होता है। फाइन हेयर्स मतलब छोटे छोटे बाल होते हैं, और इसके अंदर म्यूकस होता है, इसके अंदर सिक्रीशन होती है। अब ये जो फाइन हेयर्स हैं ये क्या करते हैं, नाक के अंदर जब हम एयर को अपनी बॉडी में लेके जा रहे होते हैं तो उस एयर के साथ कोई डस्ट पार्टिकल या कोई और अनवांटेड मटेरियल है वो जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो ये जो हेयर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं, यानी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करते हैं, एयर को ये फिल्टर करते हैं और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स या अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं उसको रोक लेते हैं। अब जो मॉइस्ट जो म्यूकस पाया जाता है हमारे नेजल कैविटी में वो आने वाली हवा को मॉइस्टन करता है, उसको जो है वो जो कह लें उसको नमी देता है और उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करता है। तो इन ये जो नाक के अंदर नेजल कैविटी के अंदर जो फाइन हेयर्स और म्यूकस है इसका काम है कि ये इंश्योर करे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयर जा रही है वो नीट एंड क्लीन एयर है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास नॉस्ट्रल्स हैं, ये आपके पास पूरी कैविटी नेजल कैविटी है। इस नेजल कैविटी के अंदर फाइन हेयर्स और म्यूकस होते हैं जिनका काम है कि जो आपके पास क्लीन एयर है उसको आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए की तरफ भेजे। नेक्स्ट हमारे पास है नेजल कैविटी जो है यहां पर इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं उनके जरिए ओपन होती है इनटू फेरेंक्स। फेरेंक्स जो है ये कॉमन ओपनिंग है फॉर द नेजल कैविटी एंड फॉर द ओरल कैविटी, जो हमारा मुंह है इसके साथ इसके लिए ये कॉमन ओपनिंग है और ये कॉमन पाथवे है फॉर द फूड एंड एयर। अब एयर जो है वो फेरेंक्स से मूव करके आती है लैरिंक्स में। लैरिंक्स जो है ये एक बॉक्स है जो कार्टिलेज से बना होता है और इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर दो पेयर फाइब्रस बैंड्स के स्ट्रेच हुए होते हैं और जब एयर इन और उन
फाइब्रस के जो बैंड्स हैं, फाइब्रस बैंड्स, उन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। जब ये एयर वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करवाती है, जब वहां से गुजरते हुए वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, तो उस वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो लैरिंग्स है, इसकी जो ओपनिंग होती है टूवर्ड्स द फेरिंग्स, उसे लैरिंग्स की जो ओपनिंग है टूवर्ड द फेरिंग्स, उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक लिड लाइक कवर होता है, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब ओरल कैविटी से कोई फूड आइटम या कोई लिक्विड मूव करके आता है, तो ये जो एपिग्लॉटिस है, ये यहां से लैरिंग्स को कवर कर देता है। यानी ये जो ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स है, इसको बंद कर देता है, ताकि फूड पार्टिकल्स या लिक्विड जो है वो लैरिंग्स और ट्रेकिया में ना जाए, यानी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना ऐड हो, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ मूव करें। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, जो लैरिंग्स है ये कंटिन्यू करती है टू द ट्रेकिया, और ट्रेकिया जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक लंबा सा पाइप है, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है। ये जो हमारे पर बॉडी में विंड पाइप या ट्रेकिया है, इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स होते हैं, जिनका काम होता है ट्रेकिया को ओपन रखना, जब इसमें से एयर गुजर रही हो उस वक्त भी, और जब एयर ना गुजर रही हो उस वक्त भी। अगर इस ट्रेकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज के रिंग ना हो, तो ये ट्रेकिया कोलैप्स कर जाएगा, जब इसमें से कोई एयर पास नहीं हो रही होगी। जब कोलैप्स कर जाएगा, तो फिर नॉर्मल जो आपके पास जो नॉर्मल मूवमेंट या नॉर्मल पैसेज ऑफ द एयर है, वो पॉसिबल नहीं रहेगा। अब ये जो ट्रेकिया है, ये जब ट्रेकिया चेस्ट में एंटर होता है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ये दो स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होता है, और उन स्मॉल ट्यूब्स को हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब हर ब्रोंकाई अपनी साइड के लंग की तरफ जाता है, और वहां पर वो डिवाइड होके स्मॉल ट्यूब्स में कन्वर्ट होता है, या स्मॉल डिवाइड होके स्मॉल ट्यूब्स बना देता है, जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब जो ब्रोंकियोल्स होती हैं, अब जो ट्रेकिया है, इसमें सी शेप कार्टिलेज के रिंग मौजूद हैं, जो ब्रोंकाई हैं उनमें सी शेप कार्टिलेज के रिंग्स मौजूद हैं, लेकिन जो ब्रोंकियोल्स हैं, ये जैसे जैसे नैरो होते जाते हैं, ये आगे मजीद डिवाइड करते हैं ब्रोंकियोल्स, जैसे जैसे ब्रोंकियोल्स नैरो होते जाते हैं, इनके अंदर से जो कार्टिलेज है वो खत्म हो जाता है, और जो ब्रोंकियोल्स है वो डिवाइड करके आपके पास इतने फाइन स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फाइन टिब्यूल्स बना देते हैं, जिन्हें हम एल्वोलर डक्ट कहते हैं। अब हर एल्वोलर डक्ट, जैसे ये एक एल्वोलर डक्ट है, ये अपनी साइड पे जाके आगे क्लस्टर ऑफ पाउच में इसके आगे क्लस्टर ऑफ पाउच लगा होता है, जिसे हम एल्वोलाई का नाम देते हैं। और ह्यूमन बींग्स या हायर एनिमल्स में ये एल्वोलाई वो जगह है, जहां पर गैशियस एक्सचेंज का फिनोमेना होता है, इसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई की बात करें, तो हर एल्वोलस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिस जो एक सैक लाइक का मतलब एक थैली नुमा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स है, और इसके बाहर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, और वो फिर आप जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, उसमें आपके पास ब्लड मूव करके आता है, और गैशियस एक्सचेंज का फिनोमेना होता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैसा होता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो क्या है, तो पहला सवाल आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज एयर, व्हाट इज मेंट बाय एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे क्या होता है? बाहर से एनवायरमेंट, एटमोस्फियर से ह्यूमन लंग्स तक जो एयर का पाथ है, उसको ट्रेस करें, यानी बताएं किधर से कैसे एयर मूव करके जाती है। जैसे नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी में आएगी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया में से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल्स में, ब्रोंक्योल्स से एल्वोलर डक्ट में, और फिर एंड पे आके एल्वोलाई में। उसके बाद कहते हैं जी नॉस्ट्रल्स में फाइन हेयर और म्यूकस क्यों होता है, तो ऊपर हम रीजन डिस्कस कर चुके हैं। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है, यही सवाल यूं भी पूछ सकते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। एपिग्लॉटिस क्या है, उसका फंक्शन बताएं, तो वो लिड लाइक कवर है, उसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, उसका फंक्शन भी हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। ट्रेकिया है, और ट्रेकिया क्या होता है, और उसमें सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स क्यों पाए जाते हैं, और सबसे एंड पे है कि एल्वोलाई क्या है, इसका फंक्शन लिखें। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।